असल फिफ्थ क्लास दिस इज़ योर असमेंट नंबर टू सोशल स्टडीज़ लेट्स गेट स्टार्टिज़ुबाशीत बसमिल्लाही मेहरबान नहाय रहम करने वाला है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्टूडेंट्स आपको मालूम है जैसा कि कि आपने अपने रजिस्टर के अंदर अपने असेसमेंट को सॉल्व करना है अपना एडमिशन नंबर और अपना कैंपस आपने ज़रूर मेंशन करना है अगर आप ब्रिटिश होम्स में पढ़ते हैं तो ब्रिटिश होम्स और अगर पिशावर रोड कैंपस में पढ़ते हैं तो पिशावर रोड कैंपस ओके लेट्स गेट स्टार्टिड असैसमेंट टू सब्जेक्ट एस एस टी क्लास फिफ्थ एंड टोटल मार्क्स है फोर्टी सब्जेक्टिव सॉरी ऑब्जेक्टिव पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स मैक्रोपोलो इंट्रोड्यूसिस पेपर मनी टू डैश फ्रॉम डैश उसने डैश से डैश के दरमियान पेपर मनी को माइक्रोपोलो ने जो था इंट्रोड्यूस किया था द करेंसी ऑफ चाइना इज द डैश चाइना की करेंसी क्या है द हेड ऑफिस ऑफ स्टेट बैंक इज इन डैश स्टेट बैंक हैड ऑफिस डैश में है लॉज आर डिबेटिड इन द डैश ठीक है लॉज को कब डिबेट किया गया था एवरी वन ओवर द एज ऑफ डैश कैन वोट हर कोई कितनी एज तक होने के बाद वोट कास्ट कर सकता है वोट डाल सकता है द वर्ल्ड फर्स्ट ए टी एम इज ओपन इन डैश दुनिया का सबसे पहला ए टी एम जो था वो कहाँ पर ओपन किया गया द सीट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इज़ इन डैश फेडरल गवर्नमेंट की जो सीट है वो डैश में होती है द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस कॉइंस एज़ मनी वाज डैश जिस कंट्री ने सबसे पहले कॉइन्स बनाए थे मनी के तौर पर वो कौन सी कंट्री थी द करेंसी ऑफ आस्ट्रेलिया इज़ द डैश ऑस्ट्रेलिया की करंसी क्या है नंबर टेन द डैश रिप्रेजेंट्स द कंट्री अब्रॉड एज द हेड ऑफ़ स्टेट डैश ने रिप्रेजेंट की अपनी कंट्री बाहर के मुल्कों में हेड ऑफ़ द स्टेट के तौर पर ठीक है इसके साथ मैंने इसकी अटैचमेंट भी दी है आप बेहतर यही है कि इसकी फोटो वो सॉरी प्रिंटेड कॉपी निकालें और ऑब्जेक्टिव पेपर उसी पे सॉल्व कर लें सर्कल द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर टू टोटल मार्क्स फाइव द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय सबसे चीपेस्ट इंफॉर्मेशन जो है सस्ती तरीन कहाँ से मिल जाती है न्यूज़पेपर जर्नल्स या मैगजीन्स इंफॉर्मेशन कन्वेड ऑन सोशल मीडिया इज सोशल मीडिया पर जो इंफॉर्मेशन कन्वे की जाती है वो क्या है ऑलवेज एक्ट नेवर करेक्ट नॉट रीड होती है नहीं करेक्ट होती या फिर रिलाईबल नहीं होती नंबर थ्री कीप योर सिटी अपनी सिटी को क्या रखें क्लीन डर्टी नीड ओके द करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम इज़ यूके की करंसी क्या है यूरो रियाल या फिर पाउंड द कैपिटल ऑफ ईरान इज़ ईरान की कैपिटल है दिल्ली बीजिंग या फिर तेहरान नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड आउट द नेम ऑफ द फॉलोइंग पीपल द प्रेजिडेंट ठीक है प्रेजिडेंट बताएं द गवर्नर ऑफ योर प्रोविंस अपने प्रोविंस का गवर्नर का नाम बताएं द प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर का नेम यहाँ पे लिखना है द फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर जो फेडरल का एजुकेशन मिनिस्टर है उनका नाम लिखना है आपने द चीफ मिनिस्टर ऑफ योर प्रोविंस और अपने प्रोविंस का चीफ मिनिस्टर जो है हमारे उनका नेम यहाँ पर आपने राइट डाउन करना है क्वेश्चन नंबर फोर आंसर द फॉलोइंग्स व्हाट इज़ बिटकॉइन बिटकॉइन क्या है नंबर टू वैन वर द फर्स्ट बैंक नोट्स प्रिंटेड सबसे पहले बैंक नोट्स कब प्रिंट किए गए नंबर थ्री वट इज़ बार्टरिंग बार्टरिंग क्या है नंबर फोर नेम फाइव वेज़ यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन कोई से फाइव वेज़ लिखे जिनके ज़रिए आप इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं एंड नंबर फाइव वेयर द गोभी डेजर्ट इज़ सिचुएट गोभी डेजर्ट कहाँ पर वाक़ है तमाम क्वेश्चन आपने लिखने चॉइस नहीं हैं आगे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन क्वेश्चन के आंसर्स लिखिए अटैप्टीनी थ्री क्वेश्चन कोई से तीन क्वेश्चन आपने इनमें से अटैम्प्ट है वाइज सोशल मीडिया नॉट द आइडियल सोर्स टू गेट इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया एक आइडियल सोर्स क्यों नहीं है इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए नंबर टू वाट आर द एडवाटेजिज़ज़ज़ज़ज़ ऑफ प्रिंट मीडिया प्रिंट मीडिया के क्या एडवाटेज़ हैं क्या फ़वाद हैं नंबर थ्री वाइज इज़ देयर अ नीड ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस की ज़रूरत क्यों है नंबर फोर डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ जज एक जज का क्या रोल है वो डिस्क्राइब कीजिए आप जो हाई जो कोर्ट में जज होता है ना उसका रोल बताना है आपने और नंबर फाइव एक्सप्लेन वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव लॉज इन अ कंट्री और किसी भी कंट्री में लॉज का होना क्यों अहम है क्यों इम्पोर्टेंट है किसी कंट्री में लॉज क्यों होने चाहिए ठीक है स्टूडेंट्स ये आपका था पेपर आपने इसको पहले प्रिंट फॉर्म में निकाल लीजिए अगर पॉसिबल है तो और फिर इसको नीट एंड क्लीन अपने पेपर पर सॉल्व सॉरी रजिस्टर पे आपने इसको सॉल्व करना है ओके स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक टेक केयर अल्लाह हाफिज़